टूथब्रश मत करो, खर्चा बचेगा। हम आजकल टूथपेस्ट करते हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, ये बड़े महंगे हैं, 30 रुपए का 100 ग्राम, 300 रुपए किलो हुआ कि नहीं। गाय का घी 200 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। क्या मूर्ख लोग हैं इस देश के, पढ़े लिखे, सुपर इडियट। वो क्या करते हैं, 200 रुपए किलो गाय का घी नहीं खाते और 300 रुपए किलो का पेस्ट रगड़ के दांतों पे थूकते हैं। वो कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं। मैं उनसे कहता हूं और स्मार्ट बनो। क्या कहते हैं, क्या करें? मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट इसको थूकते क्यों, इसी को रोटी पे लगा लगा के खा लो, गाय के घी से तो महंगा है। कितना फालतू खर्चा कर रहे हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, एक आदमी रोज जो ब्रश करता है ना सवेरे का, तो एक बार के ब्रश में 1.5 से 2 ग्राम टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है। तो अगर वो आदमी 60 साल तक, अपनी जिंदगी के 60 साल तक ब्रश करता रहे, तो एक आदमी का टूथपेस्ट का खर्चा 1,40,000 रुपए आता है 60 साल तक। एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपए का, जिंदगी में वो जितने पेस्ट इस्तेमाल करेगा 60 साल में, उसका हिसाब जोड़ा 1,40,000 के आसपास खर्चा। क्या फालतू खर्चा है, बंद करो ये, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्रश को पेस्ट लगा के रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, फोकट का काम करो, दातुन करो, दातुन, नीम की दातुन, बबूल की दातुन, पाकड़ की दातुन, करंज की दातुन, अमरूद की भी दातुन होती है, आम की भी दातुन होती है, बबूल की दातुन, 12 तरह के पेड़ हैं, उनकी दातुन करो, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है। फोकट में मिलती है कि नहीं, एक एक दातुन तोड़ लो और दातुन तोड़ के 7 दिन तक चलाओ उसको। मैं तो एक दातुन 7 दिन कर लेता हूं। कैसे, दातुन किया, चबाया, आगे का हिस्सा काट दिया, फिर पानी में डाल के रखा, दूसरे दिन फिर कर लिया, ऐसे 7 दिन चलती है। एक बार क्या हुआ, एक IIT का लड़का मुझे पूछता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं IIT वाले, में भाषण दे रहा था, कहने लगा क्या मूर्खता की काम करते हैं आप, एक दातुन को 7 दिन करते हैं। मैंने कहा भाई तू ये बता, एक टूथब्रश को कितने दिन करता है? उसने कहा मैं तो साल भर तक करता हूं। मैंने कहा तू महामूर्ख है, मैं तो 7 दिन में बदल देता हूं, तू साल भर एक ही ब्रश को रगड़ता रहता है। बंद करो ये ब्रश। और ये ब्रश की मुश्किल पता है क्या है, टूथब्रश होता है ना प्लास्टिक के, उसमें ब्रसल्स होते हैं, उनको जब हम रगड़ते हैं ना तो मसूड़ों पर उसका घर्षण होता है, मसूड़े सब छिल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जिनके मसूड़े कमजोर होते हैं उनके दांत कमजोर हो जाते हैं, जिनके दांत कमजोर हैं उनकी जिंदगी में कोई आनंद नहीं है। दूसरी समस्या क्या है, कभी भी आप देखना टूथब्रश होता है ना, उसमें जहां ब्रसल्स लगे रहते हैं ना, वहां पीला पीला सफेद सफेद कचरा जमा हो जाता है, उस पर हजारों वायरस आकर जिंदा बैठते हैं, और रोज आप अपने मुंह में डाल के क्या खतरनाक काम कर रहे हो, बंद करो, अच्छा नहीं है। और एक बात बताऊं, ये जो टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट जिसको आप घिसते हो, इसमें झाग बहुत बनता है, मालूम है? झाग तो वॉशिंग पाउडर में भी बनता है। कभी कभी मैं लोगों से कहता हूं आप कॉलगेट क्यों करते हैं, तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो झाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है, शेविंग क्रीम क्यों नहीं रगड़ते? अब मैं असली बात बताता हूं, जिस वस्तु से शेविंग क्रीम में और वॉशिंग पाउडर में झाग बनता है, वही वस्तु टूथपेस्ट में मिलाई जाती है, उसको कहते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। और ये ऐसा खतरनाक केमिकल है जो कैंसर कर देता है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, अमेरिका देश में, यूरोप के देशों में टूथपेस्ट जब बाजार में बेचा जाता है तो उस पर चेतावनी लिखी रहती है और उसमें कहा जाता है सावधान, टूथपेस्ट करने से कैंसर होता है। अंग्रेजी में लिखते हैं इट इज कैंसरस, कार्सिनोजेनिक।
और अमेरिका यूरोप के टूथपेस्ट पे क्या क्या लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं प्लीज कीप आउट दिस टूथपेस्ट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो सिक्स ईयर्स, माने 6 साल से छोटे बच्चे को ये टूथपेस्ट कभी मत कराना क्योंकि बच्चे उसे चाट लेते हैं, वो कैंसर से मर सकते हैं। फिर अमेरिका और यूरोप के टूथपेस्ट पे लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर, माने गलती से पेस्ट अगर कर लिया बच्चे ने तो हॉस्पिटल लेके जाना उसको, जहर है। क्या जहर है? उसमें एक केमिकल जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये केमिकल एक बूंद अगर आपकी जीभ पर गिरा दें तो जीभ पे ही कैंसर हो जाता है, मत करो आप, ये बेकार है। तो दांत कैसे साफ करें? दातुन से। दातुन है ना, पिपरिया में तो बहुत है, मैं अभी रास्ते में आया इतने नीम के पेड़ हैं कि दातुन ही दातुन है यहां, तो आपको तो कोई कमी नहीं, तो दातुन करो। दातुन ना मिले तो दंत मंजन करो, दंत मंजन भी फोकट वाला करो, खर्चा नहीं करना, फोकट वाला दंत मंजन। घर में रसोई है वहां पे हल्दी है, ले लो थोड़ी सी हल्दी, और सरसों का तेल है वो भी डाल दो उसमें, और थोड़ा सा नमक, तीनों को मिलाओ, दांत पे घिसो, सबसे अच्छा दंत मंजन। और एक दूसरा बताता हूं, गाय है, गाय उसका गोबर है, गोबर को जला दो। कैसे जलेगा? पहले सुखाओ उसको, छोटे कंडे बनाओ, फिर जला दो, तो राख निकलेगी, उस राख में थोड़ा नमक मिलाओ, थोड़ी फिटकरी मिलाओ और उसको दांत पर घिसो, उससे अच्छा दंत मंजन दुनिया में नहीं। और एक तरीका बताता हूं, नींबू है ना, नींबू हम सब्जी में निचोड़ते हैं, अब छिलका बच गया, इसको फेंकना नहीं, छिलके को उलट दो, अंदर का हिस्सा बाहर निकाल दो, उस पर नमक रगड़ के ऐसे ऐसे दांतों पे घिसो, दांत एकदम साफ। और एक दो बात बताता हूं जिनके दांत पीले हो गए, आम का पेड़ देखा उसका पत्ता तोड़ लो, आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी देर, चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा, लुगदी बनेगी, उसको दांतों पे रगड़ दो, दांत एकदम किटकिट करने लगते हैं, एकदम साफ। ये सब फोकट का इलाज है कि नहीं? और नहीं तो कोई खरीदना है तो दंत मंजन खरीद लो, बाजार में बहुत मिलते हैं, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, वीको वज्रदंती, अब तो स्वामी जी का भी दंत मंजन आता है, दिव्य योग दंत मंजन, वो ही ले लो। आप वो लेओगे तो आपका पैसा कम से कम स्वामी जी के ट्रस्ट में जाएगा, उसी से हम ये सब काम कर रहे हैं। तो या तो दातुन करो नहीं तो दंत मंजन, टूथपेस्ट बंद, टूथब्रश बंद। अब एक जानकारी और देता हूं आपको, ये जो टूथपेस्ट होता है ना, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबा का, ये ज्यादातर टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों की हड्डियों से। हमारे देश में हजारों कत्ल खाने चलते हैं, वहां गाय बैल भैंस को काटते हैं, उनका मांस बाजार में बिकता है, उन जानवरों की हड्डियों को टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदती हैं, हड्डियों को धूप में सुखाते हैं, बोन क्रशर में डालकर पाउडर बनाते हैं, फिर उसी से पेस्ट बनता है, फिर उसी को हम मुंह में लगाते हैं रोज सवेरे ही सवेरे। और जिस दिन उपवास होता है तो जरूर भगवान की पूजा करते हैं, सवेरे सवेरे हड्डियों का चूरा मुंह में लगाते हैं, अभी कैसे प्रसन्न होंगे भगवान बताओ। बंद कर दो ये सब, अच्छा नहीं, ठीक है, तो बहुत पैसा देश का बचेगा। मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि पेस्ट बंद कर दें, ब्रश बंद कर दें, जो पैसे बचेंगे अगर उतने से ही दातुन खरीदने लगे, 50 पैसे की एक दातुन, तो 30 लाख लोगों को दातुन बेचने का रोजगार मिल जाएगा इस देश में। आप कभी बंबई जाना, बंबई, बंबई के सब रेलवे स्टेशन में दातुन बिकता है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3, ये बंबई में हो सकता है तो पिपरिया में भी हो सकता है। अब बस करना ये पड़ेगा कि दातुन करनी है तो नीम का पेड़ लगाओ, बबूल का पेड़ लगाओ, दातुन तभी मिलेगी ना, तो पेड़ भी लगाओ हर साल कम से कम एक। हैं, आपका जन्मदिन आता है ना, उस दिन एक पेड़ लगाओ,
हम जन्मदिन